जय श्री राम। आज हम फिर से एक होम सर्विस में पहुँचे हैं। प्रॉब्लम इन्वर्टर का है। जैसे इस सीज़न जो कि काफ़ी गर्मी होने के कारण से इन्वर्टर में काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम तो आपको ओवरलोड और आपका बैटरी ना चार्ज होने का प्रॉब्लम ज़्यादातर आ रहे हैं। जैसे कि कुछ देर चलने के बाद, हो सकता है 10 से 15 मिनट चलने के बाद आपका ओवरलोड और आपका बैटरी, ये जैसे मेन्स ऑन लाइट रह रहा है लेकिन मेन्स ऑन छोड़ के ऑटोमेटिक UPS में आ जा रही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जो कि है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहा है इस तरह के। और हमने बहुत सारे प्रॉब्लम इस सीज़न में इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किए हुए हैं। जैसे देखो तो अभी बैटरी की कंडीशन आपकी पूरी वेरी गुड है, यानी कि सेंट्रिया की बैटरी लगी है और माइक्रोटेक का इन्वर्टर 1115 लगा हुआ है, E2+ लगी हुई है। इन्वर्टर अभी रनिंग पीरियड में है, जैसे देखो अभी पूरी रनिंग पीरियड में है, फिर भी इसमें ओवरलोड और आपका मेन सोन मतलब चार्जिंग का प्रॉब्लम इसमें ज़्यादातर आ रहा है। जैसे देखो तो अभी बाईपास करके लाइट को चलाई जा रही है, इसकी चार्जिंग प्लग वगैरह सब कुछ बाहर कर दी गई है। तो आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं आपके इन्वर्टर के साथ, अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे सॉल्व करनी है, चलिए ना इस वीडियो के साथ बने रहिए, जिससे मैं आपको आसानी से इस प्रॉब्लम के बारे में अच्छे खासे जानकारी देने वाला हूं। तो सर्वप्रथम तो आप इन्वर्टर की कंडीशन को आप देखते हुए ये समझ सकते हो कि लगता है कि ये इन्वर्टर हमको शायद 2 साल के अंदर इसकी कोई भी सर्विस वगैरह नहीं हुई है। जैसे बैक साइड से देखो तो काफ़ी सारे धूल मिट्टी लग गए हैं और पीछे के साइड से देखो तो ये जो इसके एग्जॉस्ट फैन जो होते हैं इसके, वो आपके काफ़ी ब्लॉक हो गए हैं। आखिरकार क्या रीज़न हो सकता है, चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चार्जिंग की प्रॉब्लम एक आपका ये मेन फ्यूज से भी आती है। तो हालांकि मेन फ्यूज अगर आपका डेड होगा तो आपकी इन्वर्टर से एक आवाज़ें आने शुरू हो जाएगी, जैसे एक सायरन जो होता है बीप का सायरन, वो आने शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें कोई भी फ्यूज़ का प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूज़ का प्रॉब्लम रहता तो ऑटोमेटिक ही आपका डायरेक्टली लाइट नहीं आती, लेकिन ऐसा तो इसमें नहीं है क्योंकि ये ओवरलोड में जा रही है और चार्जिंग छोड़ दे रही है। तो आखिरकार क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, चलिए ना इन्वर्टर को ओपन करते हैं, जिससे हमको आसानी से इस चीज़ के बारे में समझाने में ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए इन्वर्टर को ओपन करते हैं। देखने से हमको कोई भी इसमें ज़्यादातर डस्ट वगैरह नहीं दिख रहा है, ताकि इस इन्वर्टर का मैंने समथिंग 1 से 1.5 साल पहले सर्विस किया हुआ था, इसलिए इसमें कोई भी डस्ट वगैरह नहीं दिख रहा है। बट इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका ये एडजस्ट फैन का आता है, जो कि ये एडजस्ट फैन नहीं चल पाती है क्लियर व्यू से, जिसके कारण से इसमें जो है ज़्यादातर ट्रांसफार्मर हीट हो जाते हैं, मॉस्फेट हीट हो जाते हैं, जिसके कारण से ओवरलोड की प्रॉब्लम आ जाती है। चार्जिंग की प्रॉब्लम अगर आती है तो सिचुएशन में ये जो रेड वाली वायर होती है डायरेक्टली आपका देखो तो यहाँ पे आकर के स्ट्रेकर से जुड़ी रहती है, तो इस स्ट्रेकर में कोई भी स्पार्किंग वगैरह नहीं है, जबकि स्पार्किंग होने के कारण से भी आपका चार्जिंग नहीं आता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका एडजस्ट का होता है, क्योंकि एडजस्ट फैन नहीं चल पाते हैं जिसके कारण से आपकी सप्लाई बाहर नहीं आ पाती है। तो उसको सही करने के लिए इस एडजस्ट फैन, तो एक बार आप अगर इसको रिपेयर कर लेते हो, जैसे ऑयल वगैरह डाल करके, हमने बहुत सारे वीडियो में बताई हुई है, लेकिन इसमें देखो काफ़ी सारे गैपिंग हो गए हैं, ऐसे देखो काफ़ी अधिक गैपिंग हो गए हैं, जिसके कारण से एडजस्ट फैन होगी जो कि क्लियर व्यू से नहीं चल रहा होगा। तो इसका निदान एक ही है कि एडजस्ट फैन को चेंज करो, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उससे पहले इसके लिए आप देखो तो 12 वोल्ट की एक एडजस्ट फैन आती है, जो कि आप देख सकते हो 0.25 A का ये होता है और 3 इंच में इसकी साइज होती है और 12 वोल्ट का होता है। ये ज़्यादातर आपका किसी भी दुकान में देखने को मिल जाती है, प्राइस बहुत ही कम होता है, लेकिन इसका फिटिंग करने का चार्ज ज़्यादा होता है, जिसके कारण से आपकी प्राइस जो होती है इसकी अधिक बढ़ जाती है। चलिए इसको फटाफट निकालने के लिए यहाँ पे देखो तो इसमें कोई भी स्क्रू वगैरह नहीं दिए रहते, इसमें एक रिवेट के सहारे इसकी पूरी मतलब फिटिंग की रहती है, जिससे आप इसको आसानी से इसको दबा करके और पीछे के साइड से खींच सकते हो, ऐसे दबाओ और इसको पीछे के साइड से आसानी से प्रेस करो, जिससे ये लॉक जो होती है निकल जाती है। कितने सिचुएशन में ये लॉक टूट जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपका स्विच बोर्ड में जो स्क्रू लगाए रहते हैं उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। बाय द वे देखिए लॉक ऐसे निकाली जाती है, चारों जो लॉक होते हैं ऐसे निकाल करके फिर से इस एडजस्ट फैन को हटा करके नई वाली एडजस्ट फैन लगा दी जाती है, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चलिए ना एडजस्ट फैन को चेंज करते हैं। एडजस्ट फैन चेंज करते टाइम एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इसमें आपको देखो तो ये इसमें आपका ब्लैक और रेड का होता है, क्योंकि ये DC फैन होता है। अगर AC रहता है तो इसमें कोई भी रेड और कोई भी ब्लैक नहीं होता है। तो अगर आप इस वायर को चेंज कर देते हो, यानी कि लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर देते हो, तो भी ये फैन आपकी नहीं चलेगी। तो उस कंडीशन में क्या करना होगा, जो कि आपकी पुराने वाले जो क्लिप निकाले हो यहाँ से देखो, तो उस कंडीशन से देखते हुए इस वायर को सही कर लेना होगा। ये जो क्लिप है ऐसे लगाई गई थी, इसलिए इसके आगे के साइड मतलब इसकी पॉजिटिव पॉइंट जा रही है और पीछे के साइड से नेगेटिव पॉइंट जा रही है, यानी कि प्लस पॉइंट आगे और माइनस पॉइंट पीछे हो रही है। तो इस सॉकेट को आप जिस भी साइड से मिलाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो रेड वाली वायर है ये आपका कभी भी राइट साइड रहना चाहिए, यानी कि ये जो सॉकेट होगी ऐसे बैठेगी। तो इस चीज़ का जरूर नोटिस करना। स्विच को हमने चेंज कर लिया हुआ है, तो अब देखो डायरेक्ट जो इन्वर्टर हमारी चल रही है, अब इसको हम इन्वर्टर से लोड देंगे और लोड देने के बाद इसकी जो फैन होगी ये आपका चलने लगेगा, क्योंकि अभी लाइट है तो लाइट को हम ड्रॉप करूँगा, फिर से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि इस लोड पर ये फैन चलनी चाहिए। कम लोड रहेगा तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपकी एक भी फैन चलती है तो नहीं चलेगा, क्योंकि 2-3 जब फैन चलेगी तो ये फैन आपकी चलनी चाहिए। तो चलिए ना इसको पावर को हम ऑफ़ करते हैं, उसके लिए एक इमरजेंसी टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि पावर ऑफ़ हो गई अभी। और ये हमारी
ये इन्वर्टर की आउटपुट इनपुट वायर और ये आपका आउटपुट वायर। जैसे देखो कनेक्टेड होने के बाद हमने इन्वर्टर को चालू किया, फिर आप देखो हमारी एडजस्ट फैन जो है चल रही है। अगर ये फैन नहीं चलती तो फिर इसका जो एडजस्ट होता है इसके अंदर जो गैस बनती है वो बाहर रिलीज नहीं होती, जिसके कारण से आपकी चार्जिंग और ओवरलोड की प्रॉब्लम ज़्यादातर आती रहती है। तो अगर आपकी भी इन्वर्टर के साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो उस सिचुएशन में सर्वप्रथम अपने एडजस्ट फैन को चेक करो। अगर आपकी एडजस्ट फैन नहीं चलती है तो चार्जिंग और ओवरलोड का प्रॉब्लम आ सकता है। सो फाइनली ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी जरूर बताना। मिलते हैं नए जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।